हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूएई वर्क वीजा से रिलेटेड। एक सामने अपडेट आ रही है जो मैं चाहती हूं इस वीडियो के थ्रू शेयर करूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कल की एक वीडियो के बारे में बात करना चाहूंगी जो मैंने दी थी कि प्रोहिबिटेड आइटम्स क्या हैं। तो उसमें एक कमेंट आया था, सोहम सरकार करके है उनकी आईडी, तो उन्होंने कमेंट की थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। देखिए, खलीज टाइम्स का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लिस्ट आई है जो कि प्रोहिबिटेड आइटम्स है और आपको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, फ्लाइट में बहुत आना जाना करते हैं। आपके कमेंट से जो पता चला है कि चलिए ठीक है, आप बहुत फ्लाइट में आना जाना करते हैं, तो आप जैसे लोगों के लिए मेरा चैनल नहीं है कि जिनको सब चीज़ पता है वो लोग इग्नोर करें चैनल को। जिनको कुछ जानना है, पता करना है यूएई के बारे में, इंडिया के बारे में, या फॉरेन ट्रैवल करते हैं, वो लोग मेरे को फॉलो कर सकते हैं, जान सकते हैं, और बहुत लोग जानते भी हैं। आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कि बहुत लोगों को बहुत कुछ पता चलती है, और मेरा काम ही यही है कि जिनको नहीं पता होता है उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। आपको सब पता है, आप मेरा चैनल इग्नोर कीजिए। तो चलिए आते हैं वर्क वीजा में, ठीक है। वर्क वीजा जो सामने अपडेट आ रही है वो ये है कि अगर हम बात कर लेते हैं शारजा और अबूधाबी, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमारा वीजा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, कंपनी नहीं लगा रही है, या हमारा वीजा नहीं लग रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं, कंपनी बोल रही है इस समय वीजा बंद है, तो क्या है अपडेट इसका। तो देखिए, यहाँ पे मैं बताऊंगी कि रिसेंटली 4-5 दिन में मैंने बहुत जगहों से पता किया, बहुत कंपनीज से पता किया और रेपुटेड कंपनीज से पता किया है कि वीजा इस समय पे नए लोगों का लग रहा है कि नहीं लग रहा है। शारजा अबूधाबी में वीजा का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वर्क वीजा इस समय पे नहीं लग रहे हैं, रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए कंपनी वीजा आपका नहीं लगा रही है। लेकिन रिसेंटली 3-4 दिन में ऐसा नहीं हुआ है पिछले दिनों में कि 100% वीजा रिजेक्शन हुए हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 3 नेशनलिटी के लोगों का अगर वीजा अप्लाई हुआ है तो पूरे यानी कि 100% वीजा रिजेक्ट हुए हैं। अच्छी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारा क्या होता है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसके कारण वीजा उस कंपनी के स्पॉन्सरशिप में रिजेक्ट कर दी जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंपनी में प्रॉब्लम हो। तो वीजा इस समय अबूधाबी, शारजा में वर्क वीजा का काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं और श्रीलंका के हैं। आपका कोई भी प्रोफेशन हो, अच्छे प्रोफेशन के लिए भी लगा है, लेबर के लिए भी लगा है, लेकिन पूरा रिजेक्शन इस समय पे देखा गया है, 100% का रिजेक्शन। मैंने जितने लोगों से पता किया है 100% रिजेक्शन आए हैं। इंडियंस के वीजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडियंस का वीजा लग रहा है, लेकिन अबूधाबी शारजा में भी उसका रेशियो कम है, यानी कि 50-50 बोल सकते हैं, किसी का लग रहा है किसी का नहीं लग रहा है। दुबई में कोई मसला नहीं है, दुबई में अधिकतर लोगों का वीजा लग जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।